आपको पता है कि हर व्यक्ति आज मार्केट के अंदर खूबसूरत दिखना चाहता है, हर व्यक्ति मार्केट के अंदर अपना अपीयरेंस दिखाना चाहता है। और आपको पता है किसी भी लुकिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं फेस पे उसके बाल। अगर बाल हेल्दी हैं तो उसका लुक चेंज हो जाता है, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो बॉयज हो। तो आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ वो रिलेटेड टू हेयर्स लेकर आई हूँ मैं। और सेफ शॉप ने एक बहुत ही जबरदस्त और आयुर्वेदिक कॉम्पोजिशन के तरफ तैयार किया है, वो है सेफ शॉप का हर्बल शैम्पू, जो कि डिजाइन किया गया है हौमा के थ्रू। और इसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं, और ये स्पेशली जो डिजाइन किया गया है, ये डिजाइन किया गया है ड्राई और रफ हेयर्स के लिए। तो हम देखते हैं एक चीज और लिखा हुआ है कि डेली डिटॉक्स शाइन, और 200 ml का ये प्रोडक्ट है जो कि सेफ शॉप कंपनी ने डिजाइन किया है। टोटल आयुर्वेदिक, 100% इफेक्टिव, 100% पॉकेट फ्रेंडली और 100% रिजल्ट के साथ आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स का। तो हम ये जानते हैं कौन कौन से आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो इसके अंदर मिले हुए हैं। चलिए डालते हैं हम एक नजर। सबसे पहले इसमें मिला हुआ है भृंगराज। आपको पता है कि हमारे बुजुर्ग और पूर्वज ये सारे शैम्पू वैम्पू यूज नहीं करते थे, वो भृंगराज बहुत के तेल है उसका यूज करते थे। और भृंगराज एक्चुअली क्या है कि जितने भी हर्ब्स हैं उनका किंग है, किंग ऑफ ऑल हर्ब्स भृंगराज को बोला जाता है। और भृंगराज के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि भृंगराज प्रमोट करता है हमारी हेयर ग्रोथ को, भृंगराज प्रिवेंट करता है मतलब रोकता है हमारे बालों को झड़ने को, और डैंड्रफ जो हमारे मतलब हेयर्स में लग जाते हैं उसे भी वो रोकता है। कई लोगों का क्या है प्री मेच्योर ग्रेइंग हो जाता है, मतलब बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं उम्र से पहले, उसको ये रोकता है, नरिशमेंट करता है। मतलब भृंगराज अपने आप में बहुत ही प्यारी औषधि है, ये इसके अंदर मिक्स है। अगर बात करते हैं इसमें जो दूसरा औषधि मिली हुई है वो मिला हुआ है नीम। नीम जो है आपको पता है कि बहुत अच्छा ये औषधि है जो हमारे हेयर्स के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और इसके अंदर मिला हुआ है नीम, और जो कि ज़्यादातर जो हमारा जो हेयर में डैंड्रफ हो जाते हैं, खुजली सी होती है, या जो भी फंगल डिसीजेस हो जाती है हमारी हेयर से रिलेटेड या स्कैल्प में, उसको ये सही करता है। बहुत अच्छा औषधि है ये नीम। उसके बाद बात करते हैं हम मेथी की, जिसको हम फेनुग्रीक सीड्स कहते हैं। मेथी का दाना भी बहुत अच्छा होता है, कई लोग बोलते हैं मेथी का लेप लगाना चाहिए, बट ये सारे झंझटों से दूर आपको कुछ नहीं करना है, सेफ शॉप का बस शैम्पू यूज करना है जिसके अंदर ये औषधि ऑलरेडी मिली हुई है। अगर मेथी के अंदर बात करते हैं तो निकोटेनिक एसिड होता है और ये प्रोटीन कंटेंट हाई होता है, जिसकी वजह से ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, तेजी से हेयर्स को बढ़ाता है। हेयर जो फॉलिकल्स होते हैं, यानी कि बोल सकते हैं जड़ होते हैं या रूट्स होते हैं, उसको ये मजबूत करता है, और इस तरीके से ये हमारी पूरी स्कैल्प को हेल्दी रखता है। और हेल्दी अगर स्कैल्प है तो ऑब्वियसली हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। उसके बाद अगर देखते हैं शिकाकाई भी पुराने जमाने में लोग लगाते थे, लेकिन आजकल इन चीजों का कोई यूज नहीं है। आजकल हम केमिकल बेस्ड शैम्पूज यूज कर रहे हैं, लेकिन आयुर्वेदिक यूज करेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हमें। शिकाकाई की बात करते हैं तो ये आपके जो स्कैल्प है उसको ठंडा रखता है, मतलब काफी अच्छा रिलैक्स मोड में रखता है। आपके हेल्दी स्कैल्प होगा तो शिकाकाई वो सारी चीजों में हेयर फॉलिकल्स आपके मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो हेयर फॉल नहीं होगा, डैंड्रफ नहीं होगा, बाल पतले नहीं होंगे, बाल ड्राई नहीं होंगे, बाल रफ नहीं होंगे, लेकिन ये सारी चीजों से आपको ये शिकाकाई बचाता है। उसके बाद है घृत कुमारी जिसको हम एलोवेरा भी बोल सकते हैं। एलोवेरा आपको पता है, एलोवेरा नीम के तेल के साथ बहुत ही अच्छे गुणों से मतलब ये आपके बालों को पोषण प्रोवाइड कराता है, तो आप ये भी इसके अंदर मिक्स है। फिर है जटामंसी। जटामंसी जो होता है ये अपने हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, अपनी हेयर को शाइनी रखता है, सॉफ्ट रखता है, मतलब काफी अच्छा लुक प्रोवाइड करा सकता है। उसके बाद बात करते हैं गुड़हल। कई लोग गुड़हल जानते हैं, बहुत ही कॉमन ये फूल होता है, इसको हम देवी फूल भी कहते हैं। और गुड़हल का जो फूल होता है बहुत ज़्यादा हेयर के लिए हेल्दी होता है। कई सारे लोग इससे जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनते हैं वो उसके हेयर मास्क बनाते हैं,
या हेयर ऑयल बनाया जाता है, मतलब काफ़ी सारे यूजेज है गुड़हल का। तो ये भी हमारे हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करता है। विटामिन सी होते हैं इसके अंदर, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसके अंदर, कैल्शियम होता है, फाइबर होता है, आयरन होता है, इसलिए गुड़हल का फूल बहुत ही ज़्यादा हेयर्स के लिए उपयोगी होता है। तो हमें गुड़हल का फूल भी इसके अंदर मिक्स है, तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। मतलब और ये शैम्पू आपको बनाया जा रहा है तो आप बिल्कुल इसे यूज़ करके देखिए। और इसके साथ हम मैं एक और बेहतरीन चीज़ है जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। अगर आप सिर्फ शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके बाल हेल्दी हैं तो ऑब्वियसली हम मात्र शैम्पू यूज़ करेंगे। लेकिन अगर किसी के बाल डैमेज हो गए हैं, किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ रही है, कोई बाल्डनेस आ रहा है यानी कि गंजापन आ रहा है, बहुत तेज़ी से हेयर फॉल हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि 100, 200, 400 बाल एक दिन में झड़ रहे हैं, यानी कि वो आने वाले समय में गंजेपन की निशानी है, तो उसके लिए बहुत ही शैम्पू के साथ आयुर्वेदिक एक ट्रीटमेंट डिज़ाइन किया गया है, और वो है हमारा सेफ शॉप का हेयर टॉनिक। हेयर टॉनिक जो कि हर्बल है, प्योर आयुर्वेदिक है। इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर आंवला मिक्स है, भृंगराज मिक्स है, ब्राह्मी भी मिक्स है, जटामंसी भी मिक्स है, नींब मिक्स है, कपूर मिक्स है और तिल मिक्स है। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो शैम्पू के अंदर भी मौजूद है, तो उनके अलावा जो चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। यहाँ लिखा है कि सबसे पहले वो है आंवला। आंवला के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट्स में, जो कि हेयर की फॉलिकल्स को मजबूत कर रहा है, यानी रूट्स को, जड़ों को मजबूत करता है और उसे काफ़ी मोटा कर, मतलब मोटा करता है, उसके हेयर जड़ों को मोटा करता है। तो बाल का टूटना, बाल का झड़ना, बाल का ड्राई होना, बाल का रफ होना, ये सारी समस्याओं से निदान आप पा सकते हैं। उसके बाद भृंगराज के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑलरेडी वो किंग ऑफ ऑल हर्ब्स है। उसके बाद ब्राह्मी, ब्राह्मी क्या करता है, रूट को नरिशिंग करता है, मतलब नरिशिंग मतलब उसको पोषण देता है, और पोषण देने की वजह से वो क्या करता है, हेयर ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है, यानी कि हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। उसके बाद बात करते हैं रूट्स को, ये भी थिकन करता है, स्कैल्प की ऑयलिंग एक तरह से करता है, स्कैल्प कूल करता है, स्कैल्प को कंडीशनिंग करता है ना, और उसके बाद स्ट्रेंथन करता है हमारे हेयर फॉलिकल्स को, ब्राह्मी। उसके बाद बात करते हैं निम्ब की, तो जितने भी खुजली जैसी चीज़ें होती हैं या स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन या रेडनेस टाइप से आ जाता है, उसके लंबे समय के यूज़ से इस टॉनिक से आपका ये सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कपूर की, तो ये भी बहुत बेनिफिट्स होता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो फंगल इन्फेक्शंस को ये रोकता है, माइक्रोब्स को ग्रो होने से ये रोकता है। उसके बाद बात करते हैं, इसके अंदर एक चीज़ और मिलती है, तिल। अब तिल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, यानी बहुत सारे फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स, जिसकी वजह से ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, और सेसमी का सीड्स कई लोग बोलते हैं इसको, तिल को, तो ये भी यूज़ करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें मिक्स है इसके हर्बल हेयर टॉनिक के अंदर, जो कि तिल का तेल जो होता है, और ये सारी चीज़ें मैं कहती हूँ कॉम्बिनेशन में अगर आप मिलाकर लेते हैं, जैसे कि आंवला, भृंगराज, ब्राह्मी, जटामंसी, नींब, कपूर और तिल, इसका सुमिश्रण मिला के अगर इसको यूज़ करते हैं तो आपका आपके स्कैल्प जो होगा बहुत ही हेल्दी, बहुत ही नरिशिंग आपके हेयर्स होंगे, बहुत ही ये कंडीशनिंग करेगा आपके हेयर्स को, स्ट्रॉन्ग करके शाइनी बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा, और लोग मतलब आपकी तारीफ करेंगे, इस बात की गारंटी है। और इसको जो अगर मैं आपको बताऊं, इसका यूजेज वीक में सिर्फ 3 दिन करना है, ज़्यादा टाइम नहीं करना है। जब भी आप इसे यूज़ करते हैं, थोड़ा सा हेयर टॉनिक लेकर अपने बालों के अकॉर्डिंग इसके इसमें मतलब आपको क्या करना है, बालों को और अपनी स्कैल्प को 2 से 3 मिनट 4 मिनट मसाज करना है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इंक्रीज हो और बेस्ट रिजल्ट आपको इसका मिल पाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बाल हेल्दी हों। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।